How are you? I hope you all are very fine. Children, today we are going to start section 2 of your history book, Livelihoods, Economies and Societies. In section 2, we will shift our focus on the study of livelihoods and economies. We will look at how the lives of forest dwellers and past relicts changed in the modern world and how they played a part in shaping these changes. All too often in looking at the emergence of the modern world, we only focus on factories and cities, on the industrial and agricultural sectors which supply the market. But we forget that these are other economies outside these sectors, other people too who matter to the nation. चिल्ड्रन, आज हम सेक्शन 2 स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का, और इसमें हम अपना फोकस जो है वो लिवलीहुड इकोनॉमीज की स्टडीज पर करेंगे. और हमने देखा कि जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ही बड़ी वेल्थ है हम सब के लिए, और जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हुए हैं. तो इन चेंजेस को लेकर के हम चैप्टर 4 में स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये जो चेंजेस थे वो 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रीज़ में चेंजेस आए, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई, अर्बन सेंटर्स में ग्रोथ हुई, शिप्स और रेलवेज़ बनाए गए, बहुत सारे टिम्बर जो है टिम्बर के लिए फॉरेस्ट का यूज़ किया गया, और भी बहुत सारे अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज़ बढ़ा. इस चैप्टर में हम इसको भी करेंगे कि फॉरेस्ट जो है वो डिफरेंट तरह की डिमांड्स के लिए उनका डिफॉरेस्टेशन किया जाने लगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि जो ट्रीज थे उनको क्लासिफाइड कर दिया गया, और ये जो चीज़ें हैं इन्होंने किस तरह से डेवलपमेंट को तो बढ़ाया लेकिन हमारे जो वातावरण है उसको जो है एडवर्स इफ़ेक्ट उस पर डाला. तो चलिए हम नोट्स के थ्रू देखते हैं. तो सबसे पहला है यहाँ पर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म. टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम एंड आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट. द पेपर इन द बुक यू आर रीडिंग, डेस्क एंड टेबल्स, डोर्स एंड विंडोज, द डाइस दैट कलर योर क्लॉथ्स, स्पाइसेस इन योर फूड, द सेल फोन्स, रैपर ऑफ योर टॉफी, टेंडू लीव इन बीड़ीज, गम, हनी, कॉफी, टी, रबर, एक्सेट्रा. Do not miss out the oil in chocolates which comes from sal seeds, the tannin used to convert skins and hides into leather, or the herbs and the roots used for medicinal purposes. Forests also provide bamboo, wood for fuel, grass, charcoal, packaging, fruits, flowers, animals, birds, and many other things. In the Amazon forest or in the Western Ghats, it is possible to find as many as 500 different plant species in वन फॉरेस्ट पैच. चिल्ड्रन, आप अपने चारों तरफ नज़र डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिसमें जितनी भी चीज़ें मेंशन हुई हैं इस पैराग्राफ में, सारी चीज़ें जो हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, वुड्स से प्राप्त होती हैं, और वो वुड्स हमें कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती है. इसके साथ साथ मेडिसिनल हर्ब्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होती हैं. तो आप समझ गए होंगे कि फॉरेस्ट हमारे जीवन में कितने इम्पॉर्टेंट हैं और वो क्या रोल निभाते हैं. चलिए नोट्स के थ्रू हम इन्हें देख लेते हैं. तो सबसे पहले बात आती है डिफॉरेस्टेशन की. डिफॉरेस्टेशन इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली इन अ फॉरेस्ट एरिया. अंडर द कॉलोनियल रूल इट बिकेम वेरी सिस्टमेटिक एंड एक्सटेंसिव. अब देखिए डिफॉरेस्टेशन क्या होता है. डिफॉरेस्टेशन होता है जो फॉरेस्ट एरिया को कट कर दिया जाता है, वहाँ के पूरे जो ट्रीज़ वगैरह हैं उनको कट कर दिया जाता है, तो यह कहलाता है डिफॉरेस्टेशन. पेड़ों की कटाई जो है वही डिफॉरेस्टेशन है. और कॉलोनियल रूल के अंडर में यह पूरा सिस्टमेटिक वे में किया जाता है. इसके लिए बहुत सारे नियम बने, बहुत सारे पहले ऐसे प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिशर्स ने भी हमारे इंडिया में और भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेवलपमेंट होते गए उसके लिए डिफॉरेस्टेशन होता गया. इसलिए यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन जो है ये वर्ड आपको समझना बहुत ज़रूरी है. और डिफॉरेस्टेशन से क्या
लाभ है, क्या हानियाँ हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें भी हम देखते हैं. सो इम्पोर्टेंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. एज पॉपुलेशन इंक्रीज्ड ओवर द सेंचुरीज एंड द डिमांड फॉर फूड वेंट अप, पीजेंट्स एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ कल्टिवेशन बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट. द ब्रिटिश एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, सुगर, वीट एंड कॉटन फॉर देयर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल. द ब्रिटिश थॉट दैट फॉरेस्ट वर इन प्रोडक्टिव लैंड एज दे यील्डेड नो रेवेन्यू नॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. कल्टिवेशन वॉज व्यूड एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस. ऑक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग. देयर वॉज नो टिम्बर सप्लाई फॉर द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री. फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया वर यूज्ड टू मेक शिप्स फॉर द रॉयल नेवी. तो चिल्ड्रन, डिफॉरेस्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों किया गया? जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी और पॉपुलेशन बढ़ने से जो थी वो फूड की डिमांड भी बढ़ गई, और फूड की डिमांड बढ़ने से जो पीजेंट्स थे उन्होंने क्या किया, कल्टिवेशन की जो बाउंड्रीज थी उनको बढ़ाना शुरू कर दिया. एग्रीकल्चर की बाउंड्रीज जो थी उनको बढ़ाना, एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाना शुरू कर दिया, और उसके लिए उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू कर दिया. ब्रिटिश जो थे उन्होंने भी कॉमर्शियल क्रॉप्स जो थी उनके प्रोडक्शन को एनकरेज किया ताकि रॉ मटेरियल जो है वो इंडस्ट्रीज़ को मिल सके, जैसे कि सुगर है, वीट है, कॉटन है, जूट है, ये सारे रॉ मटेरियल जो है इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड कराए जा सके. तो ब्रिटिशर्स जो उन्होंने भी एनकरेज भी किया और ज़बरदस्ती भी बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने प्रोडक्शन करवाया. ब्रिटिश सोचते थे कि जो फॉरेस्ट है वो मतलब अनप्रोडक्टिव लैंड है, कुछ उससे हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, और इसलिए वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए वो उसे साफ करवाने लगे. और बहुत सारे ऐसे जो थे रीज़न जिसकी वजह से उन्होंने जो फॉरेस्ट थे उनको साफ करवा दिया, उन पेड़ों को कटवा दिया. ओक फॉरेस्ट जो है इंग्लैंड का वो तो अब लगभग डिसअपियर ही हो गया है, और जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसके लिए अब टिम्बर सप्लाई का काम क्यों स्टॉप हो गया, क्योंकि ओक ट्री जो है वो इंग्लैंड का वो वहाँ पर गायब हो गया, मतलब कि समाप्त हो गया, उसकी प्रजाति ही समाप्त हो गई. तो हमारा भारत जो है, भारत में फॉरेस्ट रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा थे, तो रॉयल नेवी के जो शिप्स हैं उनको बनाने में उन फॉरेस्ट का यूज़ किया जाने लगा. और स्प्रेड ऑफ रेलवेज रिक्वायर्ड टू थिंग्स. अब रेलवे का जो स्प्रेड हुआ, रेलवे का जो फैलाव हुआ, उसके लिए भी दो चीज़ों की ज़रूरत थी, लैंड टू बी क्लियर टू ले रेलवे ट्रैक्स. रेलवे ट्रैक्स लगाने के लिए लैंड की ज़रूरत थी, क्लियर लैंड चाहिए थी. दूसरा, वुड्स एज फ्यूल फॉर लोकोमोटिव्स एंड फॉर रेलवे लाइन स्लीपर्स. ए लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर क्लियर्ड फॉर टी, कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशन. दस लैंड वॉज गिवन टू प्लांटर्स एज चीप रेट्स. तो रेलवे की जब डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, रेलवे का जब स्प्रेड शुरू हुआ, तो उसके लिए भी जो फॉरेस्ट थे उनको भी काटा गया, और बहुत बड़ा जो एरिया था नेचुरल फॉरेस्ट का उसे क्लियर करके टी, कॉफ़ी, रबर प्लांटेशन भी किया गया. इस तरह से जो प्लांटर्स थे वो उन्हें चीप रेट में जो थी वो चीप रेट लगा करके ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा पाते थे. तो इस तरह से इम्पोर्टेंस थी कि क्यों डिफॉरेस्टेशन किया जाता था. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे.